गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? सेकेंड क्लास का थर्ड चैप्टर एडिशन। एडिशन मतलब प्लस करना, जोड़ना। एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर विदाउट कैरिंग। इससे पिछली क्लास में जो आप फर्स्ट क्लास में आपने एडिशन किया था, वहाँ पे आपके सिर्फ वन डिजिट का होता था, जैसे 2 + 3। 2 + 3 कितना होता है? 5। ये होते थे वन डिजिट के एडिशन। अब आपको आएगा टू डिजिट का एडिशन विदाउट कैरिंग, यानी कि कैरिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैरिंग वाले और आपको अगली क्लास में आएंगे या फिर इससे और आगे आएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, सी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, ऐड 31 and 56 सॉल्यूशन। 36 कैसे, आपको क्या लिखना है? 31, फिर लिखना है 56, यानी कि जो इसमें फर्स्ट वाला नंबर होता है उसे कहते हैं वंस, थर्ड वाला नंबर यानी सेकेंड नंबर पे जो होता है इसे कहते हैं टेंस। तो वंस के नीचे आपको वंस लिखना है, टेंस के नीचे आपको टेंस लिखना है, यानी 3 और 1 में वन तो है वंस और 3 है वो है टेंस। इसी तरह के 56 में 6 है वो है वंस और 5 है वो है टेंस। इसी तरीके से आपको पहले एक चार्ट बनाना है और इसे इसकी प्लेस पे लिखना है और फिर उसको आपको सॉल्व करना है। ऐसे नहीं करना कि 31 तो ऐसे लिख दिया और 65 ऐसे उतार दिया, ये उतारने में गलती हो जाएगी। ऐसे आपको नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है। अब आप जोड़ेंगे, 6 + 1 कितना होता है? 7। 5 + 3 कितना होता है? 8। फर्स्ट ऐड वंस 1 to 6 = 7। राइट 7 इन द वंस कॉलम। देन ऐड द टेंस 3 + 5 = 8। राइट 8 इन टेंस कॉलम। यानी कि आपको यहाँ से प्लस नहीं करना है, आपको कहाँ से प्लस करना है? वंस साइड से। सबसे पहले आप वंस वाला कॉलम को प्लस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, फिर टेंस वाले को प्लस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरीके से एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं। ऐड द फॉलोइंग, यानी कि इसे ऐड कीजिए, प्लस कीजिए। जैसे एक आपको बताया गया है कि ये वंस है और ये है टेंस। 8 + 1 हो गया 9 और 5 + 2 हो गया 7। अब ये हम करते हैं, 7 + 1 क्या होगा बेटा? 8। 3 + 2 क्या होगा? 5। आप इसे ऐसे लाइन खींच के भी कर सकते हैं। 1 + 2 होगा 3, 7 + 2 होगा 9, 6 + 3 होंगे 9 और 3 + 6 भी होगा 9। है ना आसान तरीका? अब इसके आगे वाला देखते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि टेंस और वंस के बारे में, है ना। जैसे वंस का कॉलम क्या है? ये वाला। इसमें क्या है? 1 और 6। तो आप इसको लिखेंगे 7। 7 + 2 क्या होगा? 9। 4 + 2 = 6 और 2 + 4 भी 6 होगा। 1 + 3 = 4। 8 + 1 = 9। 1 + 2 = 3। 6 + 3 = 9। आपको ऐसे जोड़ने नहीं आता तो आपको इसे उंगलियों के सहारे जोड़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 4 और 5, तो आपको 4 के आगे 5 उंगलियाँ निकालनी हैं और ऐसे गिनना है 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9। है ना आसान तरीका? अब आप बड़े हो गए तो आपको लाइन खींच के ड्रॉ करके लिखना ज़रूरी नहीं है, आप उंगलियों के सहारे इसे गिन सकते हैं। फिर 7 + 2 कैसे होगा? 7 के आगे 2 उंगलियाँ रख दो, फिर बोलो 7 के बाद 8, 9। अब 2 + 4 क्या होगा? 6। 5 + 2 होगा 7। 7 + 1 होगा 8। 6 + 1 होगा 7। 7 + 2 क्या होगा? 9। 3 + 4 होगा 7। कितना आसान है देखिए इसे सॉल्व करना। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है? अरेंज इन कॉलम एंड ऐड द फॉलोइंग। यानी कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा
उसे आपको पहले कॉलम में फीड करना है, फिर उसे सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए, जैसे ये 32 लिखा गया है, इसमें जो वंस की प्लेस पे है वो है 2 और टेंस की प्लेस पे है 3। यहाँ पे 1 है जो वंस की प्लेस में है और 5 जो है वो है टेंस की प्लेस में। अब हम इसे प्लस करेंगे, 2 प्लस 1 क्या होगा बच्चों, 3, और 3 प्लस 5 क्या होगा, 8। बिल्कुल करेक्ट। अब इसे भी हमें इसी तरीके से इन कॉलम में फीड करना है। जैसे 61 में 1 तो है वंस में और 6 है वो है टेंस में, 2 और 4 में 4 तो है वंस में और 2 जो है वो है टेंस में, 1 प्लस 4 कितना होगा 5, 6 प्लस 2 कितना होगा 8। इसी तरीके से इसे भी लिख लेते हैं, 1 7 3 2। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि पहले वंस वाले को प्लस करना है फिर टेंस में प्लस करना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले टेंस को प्लस करें और फिर वंस को प्लस करें, ये आंसर इससे गलत हो सकता है। 3 प्लस 1 4 7 प्लस 2 9। वैसे ही इसका 2 8 7 1, 7 प्लस 2 कितना होगा 9, 8 प्लस 1 कितना होगा 9। कितना आसान तरीका है, पर जब इसे इस कॉलम में फीड करते हैं तब आपको ध्यान रखना है कि वंस के नीचे वंस को लिखना है, टेंस के नीचे टेंस को लिखना है और पहले वंस के कॉलम को प्लस करना है, ऐड करना है और फिर बाद में टेंस के कॉलम को करना है। ये अगर आप सीख जाएंगे कि पहले वंस और फिर टेंस करना है तो जब आगे कैरी वाले एडिशन आएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें देखते हैं, ऐड द फॉलोइंग बाय यूजिंग नंबर लाइन एज शोन, ऐड 6 एंड 2। यानी कि इस लाइन को आप क्या कहेंगे, नंबर लाइन। यानी कि इस लाइन पे हमने नंबर्स को रखा है, इसीलिए इसे कहते हैं नंबर लाइन। अब यहाँ पे दिया गया है कि ऐड 6 एंड 2, फिर स्टार्ट एट 0, टेक 6 स्टेप टू द राइट ऑफ 0। यानी कि पहले आपको 6 में 2 प्लस करना है तो 0 से आपको डायरेक्ट जंप करना है 6 पे, फिर उसके बाद आपको उसमें कितना प्लस करना है, 2 प्लस करना है, तो आपको उसको दो बार कूदना है ऐसे और ऐसे। तो कितना आ गया, 6 प्लस 2 हो जाएगा 8। अब इसी तरीके से इसमें देखते हैं, आपको यहाँ से प्लस नहीं करना, यहाँ से कूदना है 0 से। ऐड 4 एंड 3, तो आप उसको कैसे करेंगे, 0 से डायरेक्ट 4 पे जंप करेंगे, फिर आपको कितना कहा गया है 3 बार, तो आप 3 बार जंप करेंगे, 1 2 3, तो जो आएगा वो होगा आपका आंसर। कितना आसान है प्लस करना। अब इसमें देखते हैं 4 एंड 6, यानी कि आपको 0 से 4 में एक बार जंप करना है, फिर क्या करना है 6, तो 6 के लिए आपको 6 बार काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6। जो आंसर आया है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। कितना आसान हो गया इसे करना, है ना बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा गया है, एडिशन ऑफ 2-डिजिट नंबर विथ कैरिंग। देखिए आ गया ना विथ कैरिंग, यानी कि आपको कैरी लगा के उस क्वेश्चन का सॉल्व करना है। जैसे कि सी द एग्जाम्पल एट 65 एंड 37, सॉल्व टेंस एंड वंस। यानी कि आपको पहले इसे टेंस वंस में लिखना है फिर आपको इसे सॉल्व करना है। जैसे कि 7 तो हो गया वंस और 3 हो गया टेंस, 5 हो गया वंस और 6 हो गया टेंस। इसे इस तरीके से हमने लिख लिया, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो 5 प्लस 7 कितना होगा बताओ बच्चों, कितना होगा, इसके नीचे लाइन खींच लेते हैं, और 5 प्लस 7 कितना होगा 12। आपको ऐसे यहाँ नहीं लिखना है, है ना बच्चों। कैसे लिखोगे 12, यहाँ पे 12 लिख दिया और फिर 6 प्लस 3 9 लिख दिया, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसे ऐसे सॉल्व करना है।
We know that now 12 ones is equal to 1 tens plus 2 ones. यानी जो पीछे वाली संख्या है वो तो है ones और 1 जो आई वो है tens. So 9 tens plus 12 ones is equal to 9 plus 1 plus 2. है ना बच्चों? तो 9 plus 1 क्या हो गया? 10 और 2 हो गया ones की जगह. यानी हो गया 100 tens यानी कि 10 tens का मतलब होता है 100 यानी कि 10 multiply 10 ठीक है और plus 2 यानी कि 102 यानी कि 65 और 37 को हम 102 लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? 65 37. 5 और 7 हो गया 12. 2 यहाँ लिखेंगे, 1 लगा देंगे कैरी. फिर हम इन तीनों को साथ में जोड़ेंगे, जैसे 6 plus 1 7 8 9 10. आ गया ना यही आंसर? कितना आसान तरीका है. बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वन साइड से प्लस करना स्टार्ट करना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं, ऐड द फॉलोइंग यानी कि इनको ऐड कीजिए. आपको एक एग्जांपल में बताया गया है, 6 plus 4 होता है 10, तो हमने 0 जो वंस था उसको लिख दिया नीचे और जो टेंस की प्लेस पे था उसको लिख दिया यहाँ पे. अब आपको इन तीनों को एक साथ जोड़ना है, जैसे 5 plus 1 6 7 8, 8 लिख दिया. अब हम इसमें देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में लिखा गया है 5 plus 7 यानी कि 7 और 5 को प्लस करना है तो कितना आता है? 12 का 2 जो वंस में आएगा वो यहाँ लिखेंगे और जो टेंस की प्लेस पे है उसे ऊपर कैरी लगाएंगे. अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे. आपको ये ध्यान रखना है कि जो कैरी आती है उसको भी आपको इनके साथ जोड़ना है, उसे भूलना नहीं है. जैसे 8 plus 2 8 9 10 11, ये हो गया आपका आंसर. कितना आसान तरीका है, बस आप वंस की साइड से प्लस कीजिए, नॉर्मली कैरी लगाइए और उस कैरी को साथ में प्लस कीजिए. जैसे 9 plus 1 हो गया 10, तो 1 लग गया कैरी. आप 10 ऐसे लिखते हैं ना, इसलिए जो पीछे वाली संख्या होती है वो वंस और आगे वाली होती है वो टेंस. तो टेंस की प्लेस जो जगह डिजिट है उसे हमें टेंस में रखना है और वंस की जगह वाले को नीचे रखना है. अब जैसे 8 plus 1 9 plus 1 10 यानी कि टेंस. इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, अदरवाइज हम इस 0 को यहाँ लिखते और 1 को और कैरी लगाते. धीरे धीरे आपको ये वाले डिजिट्स के भी और आएंगे. अब जैसे 6 और 4 होता है 10, 1 कैरी लग गया. फिर 7 8 और 6 कितने होते हैं? 40. है ना आसान तरीका? 8 plus 2 10 6 7 8. 6 plus 9 कितना होगा बच्चों? 9 के आगे आपको 6 उंगलियां निकालनी है फिर गिनना है. 9 के बाद 10 11 12 13 14 15. 15 का 5 तो लिखेंगे यहाँ और 1 लगाएंगे कैरी. 9 plus 1 10, 10 plus 3 13. इसी तरीके से ये आपको खुद सॉल्व करना है. देखिए इस तरीके से मैंने ये सारे क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, पर इसे आपको प्रैक्टिस के लिए खुद करना है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन ऑफ 3 नंबर ऑफ 2 डिजिट यानी 3 संख्याओं का जोड़ना है. कितने डिजिट वाले की? 2 डिजिट वाले की. एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ऐड 27 59 एंड 23. तो इसको हम क्या करेंगे, पहले तो वंस टेंस में इसे चार्ट में की तरह लिख देंगे इस तरीके से. ठीक है, जैसे 7 भी वंस है, 9 और 3 भी वंस है, उसी जगह 2 5 2 ये है टेंस की जगह पे. तो हम कैसे इसको प्लस करेंगे? जैसे कि इन्होंने प्लस किया है 7 9 और 3 इज इक्वल टू 19 होता है, 19 लिख दिया. 2 5 2 9 होता है. अब हम लिखेंगे नाउ 9 tens plus 19 ones. इसका मतलब होता है 9 tens 1 tens and 9 ones.
टेन टेंस और नाइन वंस। टेन टेंस का मतलब होता है 10 × 10, यानी कि 100 + 9 = 109। ठीक है बच्चों, इसको आसान तरीके से जो मैंने आपको बताया वो इस तरीके से है, जैसे 7, 9 और 3 19 होता है, तो 9 को तो आपको यहाँ रखना है और 1 लगाना है आपको कैरी। ठीक है, फिर आपको इन चारों डिजिट को एक साथ जोड़ना है, जैसे 2, जैसे 1 और 2 3, 3 + 5 8 9 10, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। और बिल्कुल आसान तरीका है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप 1 से 10 की ओर जाए और प्लस करके कैरी लगाए और कैरी को साथ में जोड़ना न भूले तो कोई आपको मुश्किल नहीं आएगी। जैसे ऐड द फॉलोइंग, यानी इसे ऐड कीजिए, 2, 6 और 8, 8 + 6 कितना होगा, 8 के आगे 6 उंगलियाँ रख लो, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 तो हो गया यहाँ तक, फिर 2 उसमें जोड़ना है यानी 15 और 16, 16 का 6 आपको यहाँ और 1 आपको यहाँ लिखना है, 4 + 1 = 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया आपके लिए आसान तरीका। वैसे ही 8, 9, 10, 11, 11 + 9 कितना होता है 20, 9, 10, 11, 12 बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए इसी तरीके से मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और समझने हैं। अब इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।